नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए टर्की का दौरा क्या लगाया? सोशल मीडिया पर आमिर के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठने लगे। अब आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पंचजन्य ने आमिर पर हमला बोला है और ड्रैगन का प्यारा खान नाम से एक लेख जारी करते हुए लिखा है, आमिर खान की फिल्म दंगल ने चीन में कुल 1400 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि सलमान की सुल्तान महज 40 करोड़ ही कमा पाई थी। आमिर भारत में चीनी मोबाइल फोन वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो सुरक्षा के नियमों की खुलेआम अनदेखी करता है। आमिर खान के चीनी सोशल मीडिया मंच सिने वीवो पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। आप देख सकते हैं कि पंचजन्य द्वारा लेख में ना सिर्फ आमिर के टर्की दौरे बल्कि चीनी स्मार्टफोन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने को लेकर भी आमिर की खिंचाई की है। संघ के मुखपत्र पंचजन्य में आमिर खान पर भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। इस लेख में अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं की आमिर से तुलना कर उनकी तारीफ की गई है और कहा गया है कि जिस तरह से आमिर खान टर्की जाकर भारतवासियों की भावनाओं को ठेंगा दिखा रहे हैं, उसे समझने की जरूरत है। एक तरफ वो खुद को सेक्युलर कहते हैं, दूसरी ओर यही आमिर इसराइल के प्रधानमंत्री के भारत आने पर उनसे मिलने से मना कर देते हैं। आमिर खुद को इतना ही सेक्युलर मानते हैं तो अपनी फिल्म के लिए टर्की क्यों जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। इस तरह के सवाल उठाए गए हैं संघ के मुखपत्र पंचजन्य में। बताते चले कि आमिर के टर्की दौरे की तस्वीर पर काफी बवाल मचा था और इन्हीं तस्वीर और वीडियो को लेकर अब संघ के मुखपत्र पंचजन्य में आमिर पर निशाना साधा गया है।